आज हम आप लोगों को मादा युग्मकोद्भिद के बारे में अध्ययन कराएंगे। मादा युग्मकोद्भिद को बीजांड कहते हैं। बीजांड की संरचना में मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय होता है। 7 कोशिका में भ्रूण कोष के अंदर इन 7 केंद्र 7 कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं एक समूह में होती हैं, जिसे अंड समुच्चय या अंडोत्तरण कहते हैं। इनमें से 2 कोशिकाएं पास पास होती हैं, इन्हें सहायक कोशिका कहते हैं। 1 कोशिका इसके मध्य में होती है, जिसे अंडोत्तर कोशिका कहते हैं। ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं 7 होती हैं, इन्हें कोशिका कहते हैं। इनका कार्य भी अज्ञात है। बीच में 1 कोशिका 2 केंद्रक वाली होती है, यह 1 कोशिका को द्वितीय केंद्रक कहते हैं। भ्रूण कोष के बाहर 2 अध्यावरण होता है, अंतः अध्यावरण, अधूरा बाह्य अध्यावरण पूरा होता है। वह स्थान जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे द्वार कहते हैं, और जहाँ अध्यावरण पूरा होता है उसे निर्वाण कहते हैं। बीजांड मादा युग्मकोद्भिद है, जो बीजांड वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा होता है। एक अंडाशय में 1 से अधिक बीजांड बनते हैं। यह बीजांड नर के युग्मकोद्भिद क्या नाम है परागकण के तुल्य है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने मात्र कोशिका की आधी होती है। वह स्थान जहाँ पर बीजांड द्वार नहीं होता है, परागण के बाद वर्तिकाग पर आया हुआ परागकण परागनलिका बनाकर बीजांड द्वार से ही प्रवेश करता है। परागनलिका में क्या होता बाबू बोला? प्रागनलिका में 3 केंद्रक होते हैं। सबसे आगे वाले केंद्रक को बोला? सबसे आगे केंद्रक को नलिका केंद्र, नलिका केंद्र, और दोनों बीच वाले पीछे वाले को नर युग्मक कहते हैं। जब नलिका प्रागनलिका बीजांड द्वार के पास आती है तो नलिका केंद्र भ्रष्ट हो जाता है, घट जाता है। इसके रसायन से क्या होगा? सहायक कोशिकाएं दूर दूर हो जाती हैं, जिससे परागनलिका भ्रूण कोष में मुक्त हो जाते हैं। प्रथम नर युग्मक किसे बोलिए? धन अंड केंद्र या अंड कोशिका बराबर 2n जायगोट। द्वितीय नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलग्न होकर सेकेंड नर युग्मक धन ध्रुवीय केंद्रक बराबर 3n भ्रूण कोष का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पूरा बीजांड निषेचन के बाद क्या बन जाता है? बीज बन जाता है और अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाती है। फल के अंदर बीज सुरक्षित रहते हैं।
बीज या तुयन जायगोट युग्मकोश विद अवस्था की प्रथम कोशिका है, जिसमें विदलन द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और उसके चारों ओर भ्रूण कोश संचित रहता है।